जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के 5, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, दिल्ली की 2, गुजरात से 7, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6, उत्तराखंड के 2, त्रिपुरा से 1, कर्नाटक की 20 और दादरा नगर हवेली की 1 सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। खास बात यह है कि उत्तर मुंबई यानी उत्तर मुंबई सीट से गोपाल शेट्टी को टिकट नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी जगह वर्तमान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उधर उत्तर पूर्व सीट से भी मनोज कोटक का टिकट काट दिया गया है और मिहिर कोटेचा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र की बीड सीट बहुत अहम और प्रीतम मुंडे का नाम हटाकर बहन पंकजा मुंडे को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये एक बड़ा उलटफेर बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में, लेकिन कई बड़े और अहम नामों का ऐलान बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कर दिया है। और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम भी शामिल किए हैं और इसमें कई केंद्रीय मंत्री के नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नागपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और पीयूष गोयल को बीजेपी ने उत्तर मुंबई से टिकट दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से टिकट दिया गया है, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। नितिन गडकरी को एक बार फिर नागपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनावी मैदान में होंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से फिर एक बार बीजेपी के उम्मीदवार। अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है, तो अशोक तंवर सिरसा गुरुग्राम से, राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने कई अहम चेहरों को इस दूसरी लिस्ट में चुनावी मैदान में उतारा है। और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल किए हैं और इनमें कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। हम आपको बताते हैं किस तरह से बड़े चेहरे अब बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी नागपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं मुंबई नॉर्थ से और यह बेहद अहम सीट है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। दूसरी लिस्ट में नामों का समावेश किया गया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे कर्नाटक से और बसवराज बोम्मई हावेरी कर्नाटक से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा कई और नाम है। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से एक बार फिर, अनिल बलूनी को गढ़वाल से टिकट दिया गया है, अशोक तंवर सिरसा से, राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम हरियाणा से, कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से और त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारे गए। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें टिकट दिया बीजेपी ने, बड़े नामों को इस दूसरी लिस्ट में शामिल किया। देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक के 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है, जो अनुमान है इंडी गठबंधन को सिर्फ 61 सीटें मिलने का अनुमान है। 9 राज्यों का ओपिनियन पोल आ चुका है जिनमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और केरल राज्य शामिल है। 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अनुमान के मुताबिक मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी बढ़त की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस अनुमान में। न्यूज 18 पर एक बड़ा ओपिनियन पोल और इसमें एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। में से 242 सीटों का अनुमान और इसमें 174 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि इंडी गठबंधन को महज 61 सीटें मिलती नजर आ रही है।
7 सीटें अन्य के खाते में, और अब तक की जितनी सीटों का अनुमान जाहिर किया गया है न्यूज 18 पर, उसमें इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका और एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। देश में मोदी गारंटी की बात आप लोग रोज बताते हैं, पर हमारे प्रदेश में 2023 में मोदी जी आए थे, वो कह के गए थे कि 3000 रुपये बहनों को देंगे, 3100 रुपये धान का दाम देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 400 का गैस सिलेंडर देंगे, एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक, चालू नहीं हुआ, ये 23 की है। जो इससे पहले 14 में कहा था 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा तो आपने शायद लिया ही होगा मेरे ख्याल से, वो तो बेरोजगारी तो आप बता नहीं सकते। आरक्षण का कोटा देश में पहली बार बिहार में बढ़ा है, इसलिए जिनको वहाँ की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है वो ऐसा कह सकते हैं, हम विधानसभा में भी 90% सीटें जीतेंगे लेकिन लोकसभा में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। In an opinion poll of CNN News 18, they have given 2 seats to NDA in the state of Kerala. How do you see this? No, I am more optimistic than the number 2. I can see very clearly that there is a very strong, huge undercurrent of voters that want NDA MPs. They are, you know, that there is a backdrop of how the state economy has been mismanaged and how the Supreme Court is having to say that please bail out the state. Plus, the people are aware of what the Congress MPs have done when they were in power. और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 77 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है इस अनुमान के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और एनडीए को सबसे बड़ी बात यह है कि 57% से भी ज्यादा वोट इसमें मिलते दिखाई दे रहे हैं इस अनुमान के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को महज 26% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ी बढ़त इस बड़े राज्य में एनडीए बनाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में जबकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, 77 सीटें एनडीए के पाले में जाती दिखाई दे रही है और ये एक मजबूत बढ़त बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया के इस पोल में सबसे बड़े सर्वे में ये एक बड़ा आंकड़ा। देखिए उत्तर प्रदेश 77 नहीं, उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप है, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, जिस तरीके से आपका न्यूज 18 ओपिनियन पोल अभी दर्शा रही थी हमने देखा, चाहे बिहार